हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज पहला दिन है जो मैं ड्रेस पहन के जा रहा हूँ। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी सामान ये वाला फ्लैट कहीं शिफ्ट करना है, इस वजह से सारा सामान बाहर निकला हुआ है। सो ये पूरा वाइट शर्ट, ये एप्रन तो वाइट ही रहता है और ये पैंट भी ब्लैक है। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। मिलते हैं आपसे सीधे कॉलेज में। सो गाइस, फाइनली मैं अभी कॉलेज पहुंच चुका हूं और ये मास्क लगाने का मेन पर्पज कोरोना से बचने का नहीं है, मेन पर्पज है ये धूप से बचने का। कितना भी सनस्क्रीन लगा लो, पूरे स्किन पे टैनिंग पड़ जा रही है, तो इस वजह से। कर सही है। नहीं नहीं पूरे ऊपर थे, स्क्रीन निकालो। ये क्या है, ये पता क्या है? ये कॉगुलेशन नहीं होता सर, इसमें इससे एंटीकोगुलेंट है। अगर हम आपको देंगे इसको जो कोगुलेट नहीं करेगा। कुछ बोल रहा लॉग हो रहा है आया लंबाई कैमरा मैं तुम्हारी आओ बिल्लू का बिल्लू इसमें लगा सब कुछ करा, कुछ करना चाहिए नहीं। वीडियो में ही जाएगा। तो गाइस, अभी हम लोग फिर से आज आ गए हैं लैब में और आप लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि लैब में हम लोगों ने क्या किया था। फिलहाल आज हम लोग ब्लड निकाल के उसको इसमें N/10 HCl में डालेंगे। हाँ, वो वाला एक्सपेरिमेंट, आज रियल एक्सपेरिमेंट है और इसका खून निकालने वाला हूँ मैं। रुको जरा, सबर करो, वो आपको दिखाता हूँ खून कैसे निकालना। मैं इसका खून निकालूंगा भाई, मेरे शरीर में खून है। क्या बोला तूने? और क्या, तुम्हारे तो सारा खून निकाला। मेरे शरीर में खून नहीं है, ये देखिए कितना मोटा है। और प्रभात भाई भी मेरे से बड़े हैं, इनका भी खून निकाला जा सकता है। विपुल भाई, ब्लॉग हो रहा है, गजब बेइज्जती है। ये ब्लॉग हो रहा है, यस बॉस। तो सबसे ज्यादा सबसे भाई भाई दाढ़ी हटाने के बाद शाहरुख खान तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ और ज्यादा लग रहे हैं हम लोग। चूतिए हैं, स्पेशल वर्ड दे सकते हैं। हाँ, वो नहीं बोलेंगे हम लोग। यस बॉस, वो हमारा सीक्रेट है। ये बिल्लू माइक्रोस्कोप पे स्लाइड पे ब्लड रखा हुआ है और वो कुछ सही करना चाह रहा है, मतलब ब्लड देखना चाह रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज इसे यही नहीं पता है कि माइक्रोस्कोप यूज कैसे करते हैं। वो नीचे फ्लैश लाइट रख के देखिए, टेम्परेरी आर्टिफिशियल लाइट दे रहा है। सही बात है भाई, क्या कर रहा है? अंकित सर, अंकित सर, डॉक्टर अंकित भाई, एक्चुअली में जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है और यहाँ पे जो ब्लड सेल्स है। अरे सही जगह कर, हटा हटा हटा, ये हटा, ये हटा, ये दो दो स्लाइड रखा हुआ है। देखो एक स्लाइड पे इसको नहीं, कुछ नहीं पता है इसे। लाना वो निकाल, निडल ले गया मेरा ब्लड, निकालो तो भाई। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी 1 ml ब्लड निकालो, ऐसे भी रोज मच्छर ब्लड निकाली थी। प्यूरिफाइड निडल नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, अगर तुम्हें टेटनस हो गया तो बचाने कौन आएगा? हम तो नहीं आने वाले। सो गाइस, अभी देखिए यहाँ पे जो प्योर निडल या जो भी चीज होती है जिसे हम लोग ब्लड निकालते हैं, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यहाँ पे रखा नहीं गया है और पता नहीं कब तक वो चीजें आएंगी। जो नया नया है वो कब तक आएंगी वो तो पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल एक दो निडल नए थे जिससे ब्लड निकाला गया, तो वो जो एक दो लड़के थे उन लोगों ने निकाल लिया। अब हमारी बारी है, तो हम कैसे ब्लड निकालें? तो हमारे नीचे एक कैडवर रहता है, सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके उसका निकाल के ला, उसका ब्लड लेके आओ, क्योंकि उसे कोई बीमारी तो होने वाली नहीं है। उसे कोई बीमारी ही नहीं है भाई, बीमारी तो हमें है। फिलहाल अभी हमें विपुल जी बताने जा रहे हैं कि सर क्या एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। वो मीटर है, इसका तेज थोड़ा नाम बोलिए आप।
सहेली हीमोमीटर जो है इसमें क्या है दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन कलर से हमें मैच करना है ब्लड का कलर। तो उसमें क्या है जो हमने वो ली थी तो उसमें सर ने कितना बताया टेस्ट ट्यूब 20 हीमोमीटर टेस्ट के लिए ये वाले टेस्ट ट्यूब की थी। तो इसमें जहाँ दिया हुआ है 20 2, 4, 6 वाला और एक दिया हुआ है 20 तक अब तो 20 छोटा वाला देखिए 20-40 से दिया हुआ है yes. तो उसमें हमें लेना है 20 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड लेना है ओके okay. लेकिन पहले उसमें क्या डालना है हमें N/10 HCl डालना है ओके okay. फिर उसके बाद हम डाइल्यूशन लेंगे डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे लेसमान इंस्टेंट डालेंगे नहीं बाद डिस्टिल्ड वाटर उसको क्या लेंगे उसको फिर ड्रॉपर से लेंगे नहीं ड्रॉपर से लेके इसमें धीरे धीरे डालेंगे ओके फिर उसके बाद इससे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद क्या है वो देखेंगे कि इस पे रीडिंग कितनी आई जो रीडिंग आई एक तो नॉर्मल रीडिंग दी हुई है सर बता रहे हैं कि 12 से 16 है ठीक है तो 12 से 16 अगर आती है तो नॉर्मल है उससे कम आ गई एनेमिक कंडीशन हो जाएगी और ज्यादा आ गई तो दूसरी एनेमिक कंडीशन बस यही एक्सप्लेन करो व्हाट इज दिस ऑडियंस बोलो ब्लड और N/10 HCl को इसमें हम लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में पता चलेगा कि कितना उसका कितने ग्राम है मतलब 12 से 16 के बीच में जितना भी होगा कलर्ड मैच करना है ड्रॉपर है मेरे पास है अबे तो सब काम तुम ही कर लो हाँ हमें कुछ नहीं सीखना है क्या डिस्टिल्ड वाटर डालो इसके अंदर इसे डाइल्यूट करो थोड़ा सा नहीं इसमें डाल इसे पकड़ रहे इसमें रख हाँ अब इसमें देखता रहे और डाइल्यूट करता रहे और देख लेंगे बाद में कितना है थोड़ा सा डार्क लग रहा है कि ना तुझे थोड़ा सा डार्क लग थोड़ा डार्क लग रहा है और बड़ा थोड़ा सा और बड़ा थोड़ा सा और चलो सर एक बार हमारा चेक कीजिए एक्सपेरिमेंट चलो चेक कराओ बिलू चेक करो ऑलमोस्ट सेम है सही है यहाँ पे सही होता होगा अब ये दोनों नीडल के लिए लड़ाई कर रहे हैं किसका खून पहले निकलेगा तो लेट्स सी कैसे ये खून निकालते हैं भाई एक मिनट कैमरा एंगल सही करने दीजिए आप लोग यस बिल्लू के हाथ में सारा खून निकलेगा कि नहीं भाई पहले इसको टाइट करना होता है हाँ इसको ऐसे पहले थोड़ा एक बार एक दो बार मूव कराओ ताकि उसके नर्व्स इसके वेंस दिखने चाहिए कि नहीं भाई अब इसको टाइट इसको इसको तो भाई मजाक नहीं मजाक डॉक्टर देखते हैं ना भाई ये हाथ यहाँ फील करो रुको यहाँ फील करो वेंस पता चला कि नहीं मुट्ठी बांधने के बाद नहीं वहाँ से क्यों नहीं जहाँ से मर्जी वहाँ से नहीं अंकित का देखो छोड़ो अंकित का दिख रहा है अंकित का दिख रहा है अंकित भाई अंकित का ब्लड प्रभात का निकालो प्रभात तुम ब्लड निकलवा भवानी का निकलवा ब्लड निकलवा दो यार कोई ब्लड निकलवा दो भाई ब्लड नहीं निकलवा रहे तुम लोग देखिए भवानी का ब्लड निकलेगा सब डर रहे हैं खून निकालने से ये दिख नहीं रहा है तुम्हें सीधे वेंस ये वेंस दिख नहीं रहा है पहले वो तो पहले उसको पोछो साफ करो वहां पे अबे नीडल तो देके जाओ बहुत बड़ा चूतिया लड़का है बिल्लू हमारा नीडल लेके भाग गया हम लोग ब्लड निकालने के लिए पूरा प्लान कर रखे थे और भवानी रेडी भी हो गया था सो गाइस डेली की तरह मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाता हूँ ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी ब्लॉग में मैं ब्लॉग एंड नहीं करता बट ये वाला ब्लॉग मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग को मैं ना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ ना लाइक या शेयर कुछ भी नहीं बोलता तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए
और फिलहाल मैं अभी गोरखपुर आ चुका हूँ, तो कुछ काम था इस वजह से कल कॉलेज से डायरेक्ट गोरखपुर आ गया था। और अभी जस्ट सो के उठा था, सोचा कि ब्लॉग एंड कर देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद से न्यू ब्लॉग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।